और उनका साथी इवन उनका पिताजी जो बांग्लादेश वॉर में भाग लिया था, उनका पत्नी, उनका परिवार का सब, हमारा जो आपका परिवार, जो हमारा परिवार है, अभी आज ज्वाइन करने के बाद तृणमूल कांग्रेस का परिवार हो गया है। मैं आप लोगों के पास ये कहने के लिए आई हुई है कि अशोक तुम्हार अकेला नहीं है, आप लोगों को साथी को लेके चलना है, सबको लेके चलना है। उन्होंने ही हमको बोला कि दीदी जाके हमारा दोस्त को थोड़ा मीट कर लीजिए। मैंने बहुत खुश हुआ आप लोग। अच्छा, आप लोग वापस जाने का बाद आप काम शुरुआत करो, अभी से काम शुरुआत कर सकते हैं। आपको शुरुआत करने के लिए कह दिया है, आप शुरुआत करो। करने का बाद अशोक कुमार जी को एक दफे गोवा भी जाना है और एक दफे कलकत्ता में एक मीटिंग है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारा, वो मीटिंग में भी जाना है। और इसका साथ साथ में पूरा हरियाणा में उन्होंने घूमेंगे और घूमने का बाद आप लोगों को सबको बातचीत करके, आप लोगों को इन्वॉल्व करके कि आप लोगों ने उसको सबसे ज्यादा आपका ऊपर वो निर्भर करता है, तो आप लोगों ने सब मिलजुल के करके जब तैयार करेंगे मीटिंग, तो मैं हरियाणा जाने चाहती हूँ। हरियाणा हमारा घर का नजदीक है, इतना दूर नहीं है। दिल्ली हरियाणा एक ही है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं भी जितना जल्दी अशोक जी मेरे को बुलाएंगे इतना जल्दी हम हरियाणा में आएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि आप लोगों ने इतना मेहनत से, इतना दूर से आए हुए है और आप लोगों ने इतना अच्छा से डिसीजन लिया है, तो देश के लिए आज बीजेपी के हराने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा फैसला है। ये फैसला को हम नमस्ते कहती हूँ, हम नमस्कार कहती हूँ, हम सत श्री अकाल जी कहती हूँ, हम सलाम अलैकुम कहती हूँ, हम नमस्कार कहती हूँ, हम आप लोगों को बहुत बहुत हमारा नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद और राम राम। सब ठीक से चले, आप अच्छा काम के लिए अच्छा करके चले। जय हिंदुस्तान, जय हरियाणा, जय बांग्ला, जय गोवा, हर स्टेट का नाम पे स्लोगन होगा और जय भारत का साथ साथ स्टेट का भी होगा। स्टेट आगे ना बढ़ने से सेंट्रल आगे नहीं बढ़ सकता है, स्टेट को लेके टॉप आगे बढ़ना है। इसी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हरियाणा, जय भारत, जय बांग्ला, जय तृणमूल कांग्रेस जी। अच्छा रहे उधर मीटिंग नेटा, उधर मीटिंग सेंटर।